दोस्तों हम सभी जानते हैं कि BTS से बहुत ही सारे अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं तो वो दुनिया भर के आर्टिस्ट से मिलते ही रहते हैं और ऐसे में बहुत ही सारे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं जहां पर वो इंडियन आर्टिस्ट से भी मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बार प्रियंका और उनके हस्बैंड निक की वजह से हमारे BTS के मेंबर को इतनी शर्म आ गई थी कि उन्हें अपनी आंखें झुकाकर पीछे देखना पड़ा। और दोस्तों ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि हमारे क्यूट मोची यानी जिमिन ही है। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये था कि 2019 के वक्त BTS के सभी मेंबर यानी RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन बी और जंगकुक बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में गए थे। हालांकि दोस्तों क्योंकि बिलबोर्ड एक वर्ल्ड वाइड म्यूजिक अवार्ड है इसलिए वहां पर बहुत ही सारे दुनिया भर के आर्टिस्ट आए हुए थे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि BTS जिस तरीके के सिंगर हैं उसी तरह से प्रियंका के हस्बैंड निक भी एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। तो दोस्तों बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में BTS ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी थी और वहां पर उन्होंने बॉय विद लव परफॉर्म किया था। उसी तरीके से प्रियंका के हस्बैंड और उनके भाई यानी केविन ने भी मिलकर उनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग परफॉर्म किया था। तो दोस्तों एक्चुअली जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे तो एक वीडियो रिकॉर्ड करी गई और देखा गया कि किस तरह उनकी एक हरकत की वजह से जिमिन को काफी शर्म आ गई थी। तो दोस्तों एक्चुअली ये हरकत कुछ और नहीं थी बल्कि एक किस थी। तो दोस्तों देखा गया कि जब जिमिन खड़े हुए थे क्राउड में सभी BTS के मेंबर्स के साथ तो उस समय प्रियंका के हस्बैंड यानी निक की परफॉर्मेंस चल रही थी और दोस्तों प्रियंका भी जिमिन के थोड़े से ही दूर पे खड़ी हुई थी। हालांकि दोस्तों जिस तरह क्राउड के बीच में से बहुत ही सारे आर्टिस्ट स्टेज की तरफ जाते हैं उसी तरह प्रियंका के हस्बैंड और उनके भाई भी स्टेज की तरफ जा रहे थे। हालांकि जैसे ही वो क्राउड के बीच में प्रियंका के पास आए उन्होंने उन्हें हल्के से लिप पर किस करी और उसके बाद वो आगे चले गए। हालांकि दोस्तों स्टेज पर जाने से पहले उन्हें क्राउड में आते हुए जिमिन देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने उन्हें प्रियंका को किस करते हुए देखा जिमिन को बहुत ही तेज हंसी आ गई। दोस्तों यही नहीं बल्कि जो वीडियो वायरल हुई उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जिमिन की नजरें उन दोनों पर ही थी और जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया उसी समय जिमिन बहुत ही ज्यादा शर्माने लग गए। दोस्तों यही नहीं बल्कि जिमिन ने हल्का सा हाथ अपने मुंह पे भी रखा और वो दूसरी साइड देखकर ताली बजाने लगे। हालांकि दोस्तों प्रियंका ने इस चीज को नोटिस नहीं किया क्योंकि वो हस्बैंड को चीयर करने में बिजी थी और जब उनके हस्बैंड आगे चले गए तो वो उनकी परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय करने लगी। दोस्तों यही नहीं बल्कि BTS के सभी मेंबर्स भी निक की परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय कर रहे थे और दोस्तों हमारी इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सबके बगल में ही खड़ी हुई थी पूरे परफॉर्मेंस के दौरान और वो BTS के काफी पास खड़ी हुई थी। हालांकि दोस्तों क्योंकि BTS और प्रियंका का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है इसीलिए दोनों के बीच में ज्यादा बातें नहीं हुई लेकिन दोनों आसपास ही खड़े थे एंड आई एम श्योर कि BTS इस बात को जानते ही होंगे कि प्रियंका इंडिया से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों जिस तरह प्रियंका इतनी ज्यादा टैलेंटेड हैं तो उनके मन में इंडिया को लेकर एक बहुत ही अच्छी इमेज भी उनकी वजह से ही बनी होगी। और दोस्तों इसके सिवा भी प्रियंका को BTS ने बहुत ही सारे परफॉर्मेंसेस में देखा ही होगा जैसे कि कुछ वक्त पहले एक ग्लोबल परफॉर्मेंस हुआ था जिसका होस्ट प्रियंका ने ही करा था वो भी पेरिस से और वहां पर BTS का इंट्रोडक्शन भी प्रियंका ने ही सबको करवाया था। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप BTS और प्रियंका के इस इंटरेक्शन के बारे में जानते थे या फिर नहीं और दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।